क्वेश्चन नंबर 36, वीडियो नंबर 93 और ये क्वेश्चन जैम 2007 में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हमें बताना है वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y स्क्वायर माइनस 3xy dy प्लस x स्क्वायर माइनस xy dy इज इक्वल टू 0 इज, पहला ऑप्शन दे रखा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई, और तीसरा दे रखा है हमें वन अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर, और चौथा हमारा है वन अपॉन एक्स। ठीक है, ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें अब हम करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को, सिंपल है, अगर आपने मेरे नोट्स अच्छे से देखे होंगे तो इजिली कर सकते हैं आप। ये कैसे करना है, जस्ट जो हमारे हमें जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर सॉरी वाई स्क्वायर वही है हमारा y स्क्वायर माइनस 3xy dy प्लस x स्क्वायर माइनस xy dy इज इक्वल टू 0 हमारी इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगर आपने प्रॉपर्टीज देखे होंगे लेक्चर्स में जो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, क्यों कौन सी प्रॉपर्टी, जब हम mx प्लस n dy है ये, ठीक है, m dx प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके साथ अगर इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा अपना, m इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3xy है, और n स्क्वायर क्या है अपना x स्क्वायर माइनस सॉरी n क्या है अपना सॉरी n n स्क्वायर नहीं आएगा, ये n क्या है अपना x स्क्वायर माइनस xy। ठीक है, ये हमारी दोनों mn की वैल्यू है। ठीक है, और अब जैसे कि ये होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन बन रही है, देख सकते हैं आप वाई स्क्वायर यहाँ पे भी जो डिग्री 2 है, तो इन दोनों का डिग्री का सम 2 है, और यहाँ पे भी डिग्री 2 है, और यहाँ पे भी डिग्री 2 है, तो इसके हिसाब से क्या हुआ, ये होमोजीनियस हुई, सब जगह बराबर डिग्री है, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या रहेगा इसका, इंटीग्रेटिव फैक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन y। ठीक है, ये अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी थी ये। ठीक है, तो इस 1 अपॉन mx प्लस ny इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा, तो वो कितना आ जाएगा अपना, इसको x से मल्टीप्लाई करना है इसको y से, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, xy स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y, और इधर आ जाएगा अपना प्लस x स्क्वायर y माइनस एन वाई को करेंगे हम मल्टीप्लाई, वाई से कर दें तो एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। अब इसमें जो वैल्यू आ रही है हमारी, तो इसमें क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर वाई है ये, और ये एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है, और ये एक्स वाई स्क्वायर, ये दोनों आपस में कट गए, बचा गया वन अपॉन माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ से, तो आंसर क्या आ गया अपना, माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, ये आंसर कौन सा है इसमें, 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर वाई, तो ये अपना ऑप्शन आ गया बी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा कैसे करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने निकालने सिखाए भी थे। ठीक है, 6-7 तरीके होते हैं इसमें, ठीक है, 6-7 फॉर्म होती हैं, वहाँ से हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अगर ज़्यादा अच्छे से देखना चाहते तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो टॉपिक के 6-7 वीडियो हैं वो अच्छे से देख लीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और बाकी अगर आपको लगता है इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है, क्या तो समझ में नहीं आ रहा, या फिर वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, या फिर और कोई बात हो, कुछ भी बात है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।